के रहने वाले हैं, तो तिरोटा पंचायत में क्या स्थिति है ये बताया जाए। देखिए, मैं साफ तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि बाढ़ की जो भयावह स्थिति अभी आ रही है सामने, इसे सामना करने के लिए ना ही साधन, ना नाव, माने किसी भी तरीका का अभी तक ले कोई समुचित व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं देखी जा रही है। यहाँ पर हम लोग बराबर संपर्क करते हैं प्रशासन पर, प्रशासन के लोगों से हमेशा वो लोग आश्वासन देने के काम, हम लोग बाढ़ के पहले से ही तैयारी में हैं, हमेशा सूचना देते रहते हैं कि नाव अभी तक ले नहीं मरम्मत हुआ, नाव नया नहीं आया, अभी नया निर्माण नहीं हुआ, मवेशी का चारे का व्यवस्था, किसान का फसल नष्ट होने की व्यवस्था से लेकर सारे चीज़ का, खेतों में पानी उन्हें भी, हाँ, पूरे किसान इससे त्रस्त हैं, सब खेत में जो भी बीज बोए हुए थे उसमें सब डूब गए हैं, फसल बर्बाद हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, तबाही का मंजर सामने आ रहा है, किसान अपनों आँखों से देख रहे हैं, दिवस है कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्या मांग करते हैं? हम यही प्रशासन से मांग करते हैं कि नाव की व्यवस्था हो जितना जल्दी, और चारे की व्यवस्था हो, रहने को गरीब मजदूरों का जो घर गिरता है बरसात और अथी में, उसमें तिरपाल की भी व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध होना चाहिए प्रशासन के माध्यम से इस सरकार में। क्या परिचय अपना? रघुपति जादव, जन अधिकार पार्टी।